हेलो फ्रेंड्स, रमन इंस्टीट्यूट से मैं दविंदर थोड़ा स्वागत करती हाँ। अज की साड़ी इंग्लिश की क्लास के असी डिस्कस कर जा रहे हैं नाउन, सिंगुलर नाउन चेंज इन टू प्लूरल नाउन। साड़ी ये वीडियो एंटिटी पटवारी, पंजाब पुलिस, PSPCL सुपरवाइजर और PTET के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद है कि तुहानू ये वीडियो चंगी लगेगी। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल में सबसक्राइब कर लैन, ता जो भी लेटेस्ट वीडियो आदियां ने उन्होंने अपडेट्स थोनू मिलते रहन। तो जेकर कोई भी स्टूडेंट इस वट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है तो वह इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ग्रुप पेड है। तो कमेंट करके जरूर दस्यो कि साड़ी वीडियो थोनू ये किदां दी लगी। चलो चलते हैं अपने अज्ज इस टॉपिक वल। नाउ फर्स्टली आपां डिस्कस करते हैं कि नाउन दे विच की हुंदा है। वैन ए नाउन रैफर्स टू वन परसन, एनिमल और वन थिंग, इट इज सिंगुलर नाउन। जदों कोई भी नाउन लाइक कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई जानवर जा कोई भी चीज़ किसी एक चीज़ बारे दसदी है ना, तो उन्हूं सिंगुलर नाउन आख्या जाता। जिदा पीटर हूँ एक व्यक्ति का नाँ है, ठीक है। कैट एनिमल हो गया, टेबल एक बेजान चीज़ हो गई, ये सारिया सिंगुलर ने, एक एक ने, तो सानू इन बारे जानकारी हो जाती ने कि यह की आ सिंगुलर नाउन। नैक्सट आ गया साडा वैन ए नाउन रैफरस टू मोर दैन वन परसन। जदों एक तो वध चीज़ा बारे गल की गई होवे, परसन, एनिमल और थिंग, इट इज़ प्लूरल नाउन। मतलब एक तो वध व्यक्तियों बारे गल की गई होवे, एक तो वध जानवरों बारे गल की गई होवे और एक तो वध चीज़ों बारे गल की गई होवे, तो प्लूरल मतलब बहुवचन दे विच आ जांदे आ। एग्जाम्पल शूज, किटन्स, विमेन, यह की हो गया, यह बहुवचन दियाँ उदाहरणा ने। नैक्सट आ गया सिंगुलर नाउन चेंज इन टू प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन दे विच डे देखो इत्थे जिहड़ा वाई वाले नाउन्स ने, सिंगुलर नाउन्स ने, ठीक है, उहदे बारे डिस्कस करदे आ। पहला डे नाल की लग जाएगा, एस लग जाएगी वाई दे नाल, की हो गया डेज। टॉय दा टॉयज, बॉय दा बॉयज, रे दा रेज। वाई तो बाद हमेशा एस लगेगी, ठीक है। नैक्सट आ गया साडा फोटोज एस लगेगी। बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, क्लास, क्लासेस, डिशेस, ठीक है। हुण जिहड़े इह वर्ड सीगे सिंपल, इन्हां दे नाल ई एस लगेगी इन्हां दे, ठीक है, ई एस लगेगी। तो जैसे लीफ जो भी एंड दे विच नाउन्स दे विच एफ जां एफ ई लगेगी, ठीक है, उन्हां दे नाल ई एस लग जाएगी। जिवें लीफ एफ दी जगह ते की हो गया साउंड आएगी वी दी, लीव्स। ऐदा ही वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स, मैन। देखो मैन आ जिहड़ा सिंगुलर आ। हुण मैन दे विच ए आ जिहड़ी उहदी जगह ते वॉवल्स ई लै लेगी, जिदा मैन, ठीक है, बहुवचन हो गया। ऐदा ही वो मैन इस जगह ते की आ जाएगी, वोमेन, वेमेन, ठीक है। इस तो अगे आ गया टूथ जगह पर की आ जाएगी, वॉवल्स ई, टीथ, फुट की जगह पर फीट, चाइल्ड की जगह पर चिल्ड्रन, अगे माउस की जगह पर माइस, फ्लाई की जगह पर फ्लाइज, स्टोरीज,
है, क्योंकि ये कुछ ऐदा दे वर्ड्स ने जो आपां हमेशा मतलब कन्फ्यूज होके मिसटेक हो जाती है, स्पैलिंग मिसटेक। नो चेंज, कुछ क नाउन ऐदा दे हुंदे ने जेड़े कि चेंज नहीं हुंदे, लाइक फिश, शीप, फर्नीचर, क्लोथिंग, ये वो नाउन ने जो कि चेंज नहीं होंगे, इन्हें सिंगुलर भी प्लूरल भी सेम एज रहेगा। नेक्स्ट है नो सिंगुलर फॉर्म, कुछ वर्ड कुछ नाउन इदा के होंगे ने जो कि प्लूरल फॉर्म के रेंदे ने, वो नाउन सिंगुलर नहीं होंगे, लाइक सीजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ग्लासेस, मतलब जेडे कि दो चीज़ा की गल की गई हम जिदा शॉर्ट्स है ना जा जीन्स टॉप, वो मतलब उन्होंने लिए की आ ओह की होएगा प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं रहेगा। नेक्स्ट नो प्लूरल फॉर्म, तो कुछ वर्ड ऐदा के होंगे ने जिन्हों का की होंगे सिंगुलर वर्ड मतलब कोई भी प्लूरल वर्ड नहीं होंगे, लाइक मिल्क, स्कोर, पोइट्री, सीनरी। नेक्स्ट आ गए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, किदा यूज करना अपने इन्हों। आई डेकोरेटेड माई रूम विद लॉट्स ऑफ कलरफुल टैश, हूँ ये आपने सिंगुलर नाउन यूज करना या प्लूरल नाउन यूज करना, ये देखने दे लिए आपू टैश के फस्ट चैक करना पेगा, जिदा लॉट्स ऑफ कलरफुल, लॉट्स लॉट्स वर्ड बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादातर कलरफुल, इस करके की आएगा आंसर बैलून्स। आई डेकोरेट माई रूम विद लॉट्स ऑफ कलरफुल बैलून्स। आई वॉन्ट टू विजिट ऑल द डैश इन द वर्ल्ड, हूँ ये विजिट ऑल द ऑल वर्ड आ बहुत सारिया आ गया, ताकि यूज होएगा कंट्रीज। द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द जू, इस आपने देखना कि चिल्ड्रन एंड जू सिंगुलर ने जा प्लूरल, हम चाइल्ड हुंदा सिंगुलर, प्लूरल हुंदा चिल्ड्रन, इसलिए चिल्ड्रन की आ प्लूरल ते जू की आ सिंगुलर। नेक्स्ट है अपना सम ऑफ द विमेन हैड बेबीज इन देयर आर्म्स, ये विमेन बेबीज आर्म्स जेडे तीनों वर्ड्स ने एक ही आ गए, विमेन दे विच ई आ ई बहु वचन प्रेजेंट कर दिया, बेबीज आई ई एस लग्या होया ते आर्म्स के पिछे एस लग्या होया, इस करके की ने सारे प्लूरल ने बहु वचन ने, विमेन बेबीज आर्म्स। नेक्स्ट माई अंकल्स लाइब्रेरी इज फुल ऑफ बुक्स, मेरे अंकल की लाइब्रेरी किताबों नाल भरी हुई है, तो लाइब्रेरी एक आ सिंगुलर आएगा, बुक्स एस लग्या होया प्लूरल आएगा। नेक्स्ट यू मस्ट लर्न हाउ टू अरेंज नाइफ्स फॉक्स एंड स्पून ऑन द टेबल, ये नाइव्स फॉक्स एंड स्पूनस एक ही ने प्लूरल ने, ई एस लग्या होया नाइव्स के विच, फॉक के विच एस लग्या होया, स्पूनस के विच एस लग्या होया, ठीक है, एंड टेबल आ जेड़ा वो सिंगुलर एक वचन। नेक्स्ट
We had only boiled potatoes and rice for our dinner. Potatoes and rice. Potatoes de vich es lagya hoya is karke e kiya plural and rice kiya singular. It was so hot that people were using their handkerchiefs as fans. People kiya gaya chada lokan di gal kiti gayi is karke plural aa gaya handkerchiefs s lag gaya oh vi ki ho gaya plural aa gaya. Next, dash which separate dengue breed in a stagnant water. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੱਛਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਡੇਂਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਏਗਾ ਮੋਸਕੀਟੋਸ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਸਾ ਮੈਰੀ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੌਂਡ ਵਾਈਲ ਰੋਇੰਗ ਦਾ ਬੋਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸ ਗੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖੇ ਗੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਾ ਮੈਨ ਗੀਸ ਇਨ ਦਾ ਪੌਂਡ ਵਾਈਲ ਰੋਇੰਗ ਦਾ ਬੋਟ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਨਾਊਨਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਾਇੰਡਸ ਆਫ ਨਾਊਨਸ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ